प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले हम लोगों ने शहतूत का कलम लगाया था कटिंग, तो देखिए ये शहतूत का कटिंग अभी के रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो गया है। तो अपन आज इसको रिपोर्ट करेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार हुआ है। ये देखिए वाला मैं आप लोगों को दिखाया था पहले, बहुत अच्छा आ रहा है इसमें वीडियो है ना। तो दोस्तों आज हम रिपोर्ट कर देते हैं, ये भी देखिए तीसरा पोर्ट आए, बहुत अच्छा। शहतूत का फल बाजार में मिलता नहीं है और हम अपने घर में लगाकर तो बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। देखिए ये हमने गमला तैयार करके रखा है, बड़ा सा खा रहा है ना, बड़ा से एक गमला हमने ये तैयार करके रखा है और इसको हम रिपोर्ट करेंगे। और इसकी मिट्टी गमला तैयार करने के बारे में बार बार मैं बताता हूँ, मिट्टी रेती गोबर का खाद मिलाना है, कितना मिलाना है, इसलिए आप लोगों को पता ही है। तो मैं इसमें आज शहतूत का प्लांट एक रिपोर्ट कर देता हूँ। थोड़ा बड़ा गमला लेंगे ताकि शहतूत को पर्याप्त मात्रा में भोजन पानी और खाद मिले, है ना, इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा गमला लिया है। देखिए हम क्या करेंगे, पॉलीथीन ये तो लगाते हैं, पोली पे हटा देंगे इसका बाहर से। देखिए अभी मैं हो सके तो जल दिखाता हूँ आपको, क्या देखिए इधर लगाने के लिए दोस्तों मेरा थोड़ा सा ऐसे आना पड़ेगा। ये जड़ देखिए, ये दिख रहा है, ये पूरा जड़ इसका निकल आया है, ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए ये जड़ आ गया है इसमें, ये दिख रहा है आपको, ये जड़ भी ये तैयार हो गया है अभी पोटिंग के लिए। ये देखिए तो हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, इस साइड में इस गमले में हमने मीठा नीम का पौधा लगाया था और कुछ अदरक लगाए थे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे लगाए थे। ये देखिए बढ़िया है, बेहतरीन हम इसको पैक कर देंगे। अदरक को पौधा को नीम मीठा नीम की पत्ती को निकालने के चक्कर में इसका मिट्टी गीला हो गया है, जैसे आप पहले सूखी मिट्टी से भी इसका प्रारंभ कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों देखिए ये शहतूत का पौधा अभी आ गया है, डेढ़ से दो महीने अंदर में फल दे देगा। ये क्या है, बैग में था तो बार बार सूख जाता था, इसकी वजह से इसको हम रिपोर्ट कर दिए। इसका लाइफ चार साल है, ठीक है। जैसे ये तैयार हो गया है बहुत अच्छे ढंग से, उसी प्रकार से दोस्तों जैसे हमने इसको रिपोर्ट किया है, ये सारे पौधों को रिपोर्ट कर देंगे। आप लोग भी अपने घर में ये इसका रोपण करके आनंद ले सकते हैं, और मेरा थोड़ा फ्रेश एक्सप्रेशन कैसे हो जाता है। तो ये आप लोग आनंद लीजिए, और मैं आप लोगों को अभी अदरक हमने इसमें लगाया था इसका पौधा भी दिखाता हूँ। देखिए पौधा कट कर दे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये इस तरह से हम
कुछ छोटा छोटा प्रयास करके अपना घर में भी कुछ ऐसे फ्रूट्स जो बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं उसका उसको उगा करके हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अगला वीडियो भी मेरा आप देखेंगे, ऐसा मैं भी आशा करता हूँ। मैं आगे चल के आप लोगों को ऐसे ही छोटे बड़ा कुछ देते हुआ, और ये सब भी हमको अभी रिपोर्टिंग करना है, तो आप लोग ये तो देख चुके हैं, ऐसा ही दोनों पौधों को भी कुछ गमले को लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।